हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दिस इज सैटर्न कैपिटल हियर। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि कल हमें मार्केट में क्या करना है। जैसे कि हमने आपको बताया था कल कि आज हमको मार्केट में इंतजार करना है और डिप बाइंग के लिए वेट करना है कि अगर स्टॉक्स नीचे जाता है तो हमें एवरेज करना है या डिप बाइंग करना है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि कल मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, कि कल भी हमें इंतजार करना है या फिर किसी पार्टिकुलर स्टॉक्स में हमें फ्रेश पोजिशन बनाना है। सो वो डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, मोटो है आपको सिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि कल हमने आपको बताया था कि वेट फॉर डिप बाइंग के लिए हमें इंतजार करना है। और आज के दिन कुछ स्टॉक्स में हमने अपने स्टॉप लॉस भी हमारे हिट हुए हैं। जैसे इंडिया मार्ट में हमारा आज स्टॉप लॉस हिट हुआ जो कि 2628 का था, हमने इसमें लॉस भी बुक किए। SBIN में भी हमने कल स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ जिसमें हमने अपना लॉस बुक किया। सो मार्केट है, मार्केट में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। ओवरऑल पोर्टफोलियो आप हमारा देखें तो 24% हमारा गेन में है, यानी 2,95,000 रुपीज़ हम अभी भी प्रॉफिट में है। सो कभी मार्केट में गेन भी होगा, लॉस भी होगा, ये सब आपको इमोशंस है, कंट्रोल करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट पिछले कई हफ्तों से हमें पॉजिटिव दे रही थी और ये एक ऐसा समय है जहाँ पे हमें सीखने को चीज़ें मिलती हैं, इमोशंस कैसे कंट्रोल करना है वो हमें सीखने को मिलता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल क्या करेंगे। तो उससे स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक निफ्टी का होता है, निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है डे के बेसिस पे और चार घंटे के बेसिस पे। तो अगर हम निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें 4 आवर्स के बेसिस पे, तो आप यहाँ पे अगर 4 आवर्स के बेसिस पे आप देखो तो मार्केट आज पहला जो था अनएक्सपेक्टली गैप अप ओपन हुआ। अगर हम यहाँ नॉर्मल कैंडल अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो देखो मार्केट यहाँ हुआ ओपन गैप अप। उसके बाद सेकेंड हाफ में फिर से सेलिंग प्रेशर आई, लेकिन हमारा जो सपोर्ट है आप देख रहे हो 21,390 का सपोर्ट है निफ्टी का, और इसको ड्रैग कर रहा है बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, यहाँ अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लें तो बैंक निफ्टी में आप देखो, सो बैंक निफ्टी का गैप अप ओपन हुआ ऊपर, 47,937 का हाई लगा, उसके बाद फिर एक बड़ी सेलिंग प्रेशर आई। अब यहाँ पे सीखने वाली बात है कि अगर आप हमें एक ट्रेंड देखें, अगर मैं एक नॉर्मल हेकानाशी कैंडल लगा देता हूँ एंड ये सारी चीज़ें आपको हटा देता हूँ, फिबोनाची हटा दें, तो आप देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो वाइट कलर का ट्रेंड लाइन है हमने जो ड्रॉ किया था, तो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को फॉलो कर रहा था और इस सपोर्ट को यहाँ ब्रेक हुआ और एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अभी भी हमारे पास जो सपोर्ट बना हुआ है 47,029 का सपोर्ट बना हुआ है, हो सकता है इसको तोड़ेगा तो और मार्केट नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी में। तो अभी आपको क्या करना है 4 आवर और डे के बेसिस में अभी हमें इंतजार करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और मुझे लगता है 46,630 भी आ सकता है अगर हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लें, क्योंकि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चलता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लें तो आप देखो यहाँ पे दूसरा जो इसका सपोर्ट बन रहा है ये 50 मूविंग एवरेज बन रहा है 46,565, अगर इसको तोड़ता है तो हमारा 46,336 का हमारा एक सपोर्ट बनता है। तो आपको करना क्या है, आपको मार्केट में सिंपली इंतजार करना है डे बेसिस पे जब ये ग्रीन कैंडल बने, क्योंकि आज कल 8 जनवरी को भी रेड कैंडल बना था, आज भी रेड कैंडल बना हुआ है, हेकानाशी का ये कैंडल है, सिंपली आपको यहाँ जाना और हेकानाशी का कैंडल लगा लेना है तो चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अगर आप नॉर्मल कैंडल लगाते हो तो नॉर्मल कैंडल देखो, नॉर्मल कैंडल कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, तो यहाँ पे पिवोट ऑलरेडी नॉर्मल कैंडल देखो तो 47,242 पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ से या तो मार्केट अप होगा और यहाँ तक जाएगा, स्टैंड लाइन को जाएगा 47,733, फिर इसको रिटेस्ट करके हो सकता है एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आए। तो अभी आपको करना है कि आपको कुछ स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करना है। तो ये तो बैंक निफ्टी की बात होगी, अगर वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे देखो आप एक रेड कैंडल बनाया, ये नॉर्मल कैंडल है, अगर हम हेकानाशी लगा लेते हैं तो हेकानाशी में भी आज भी रेड है और हमारा जो रेजिस्टेंस था हेकानाशी के अकॉर्डिंग देखो 47,980 के करीब में ये रेजिस्टेंस था, तो हो सकता है यहाँ पे और स्टॉकस्टिक का RSI आप देखोगे तो ऑलरेडी 100 ऊपर है। मैंने इससे पहले भी बोला था कि स्टॉकस्टिक का RSI 100 है, तो हमें यहाँ पे काफ़ी सावधान होना है क्योंकि हो सकता है एक आध हफ्ते मार्केट गिरे, तो ये चीज़ें बियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 6 नवंबर से लेकर 1 जनवरी तक हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करने को मिला, 2 महीने में हमने प्रॉफिट बुक किया। अब मार्केट करेक्ट होगा, करेक्शन भी जरूरी है,
क्योंकि जब तक करेक्शन नहीं होगा, जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग नहीं ले पाए थे इस दो महीने में, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि अब जैसे ही करेक्शन होगा मार्केट में हम नया एंट्री बनाएंगे। जब करेक्शन होगा तभी लोग और नए जुड़ेंगे, तो करेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। एक हेल्दी करेक्शन देखने का चांस मुझे जो लग रहा है, मेरा जो एनालिसिस है एक आध हफ्ते में। चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का जो अगर हम वीकली एनालिसिस करें तो निफ्टी का वीकली एनालिसिस में 21,900 जो मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि एक रेजिस्टेंस है, इसको रिस्पेक्ट दे सकता है। रिस्पेक्ट देने के बाद एक मार्केट एक आध हफ्ते तक नीचे हो सकता है, उसके बाद ऊपर जाएगा। अब इस केस में क्या करना है, हमें देखना है वीकली इस तरीके का फॉर्मेशन जस्ट 50 से ऊपर हो, 20 से ऊपर हो, और यहां कहां अपना मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे हो। इस तरीके के स्टॉक्स ढूंढने हैं और इसमें पोजीशन बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 80 के ऊपर हमारा स्टॉकेस्टिक आरएसआई है और काफी ऊपर आरएसआई है तब हम पोजीशन नहीं, हमें इस तरीके की पोजीशन ढूंढना है वीकली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे हमको उसमें इंतजार करना है, उसके बाद पोजीशन बनाना है। तो उस पहला स्टॉक कौन सा आता है मैं देखता हूँ। तो अगर हम डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो आप पारस देखो, ये पारस का वीकली व्यू है। तो वीकली देखो 20 से 80 की तरफ जाता हुआ स्टॉक इसी का रसाई 20% का बाकी है, और 66 है यानी 40% का भी बाकी है, और जस्ट ये अपने 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 मूविंग एवरेज नीचे, पहला कंडीशन मैच हो रहा है, दूसरा भी मैच हो रहा है, तीसरा भी मैच हो रहा है। तो हम इसमें डेली व्यू पे पोजीशन बना सकते हैं, जहाँ पे हमारा टारगेट, पहला टारगेट क्या होगा 803-765 चल रहा है, और दूसरा होगा 898 जो वीकली आने वाले एक दो हफ्तों में जाएगा। ये डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक है। अब इसमें आपको क्या करना है, 4 आवर के बेसिस पे आ जाना है। अब आप वीकली ये स्ट्रांग अच्छा है तो मतलब हमें पता चल गया कि आने वाले 2-3 वीक ये बढ़ेगा। पहला तो हमारा 803 का है, ऑलरेडी ये गया हुआ है 799, तो पहला रेजिस्टेंस 803 का है और दूसरा टारगेट हमारा 898 का है, जो कि इसका पिछला अगर हाई देखें तो 848 का हाई लगाया, तो कुछ नहीं तो 848 तो जाना ही जाना है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि वीकली ये अच्छा है। अब हम आ जाएंगे 4 आवर के चार्ट में। 4 आवर के चार्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे 799 के बाद एक करेक्शन हुआ, हो सकता है ये एक सपोर्ट है इसका, 20 मूविंग एवरेज का एक यहाँ सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट पे आके मार्केट ऊपर जाए। तो हमें इंतजार करना है कि स्टॉकेस्टिक आरएसआई नीचे आए और हमारा कंडीशन फॉर्म हो 20 से ऊपर, आरएसआई इंतजार करना है कि नीचे आए और 50 को ऐसे वो वापस से ये क्रॉस करे, तब हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो पोजीशन बनाने का क्या होगा, अगर ये 758 के अराउंड आता है, 744 के अराउंड आता है, तब आपको इसमें छोटे छोटे क्वांटिटी में इंटर करना है। तो इस हिसाब से आप पारस देखो, पारस में एक्युमुलेशन देखो, डे बेसिस पे अगर आप देखोगे तो डे बेसिस पे भी अगर मार्केट गिरता है तो पहला सपोर्ट देखो 763 के करीब में है, ऑलरेडी 765 यहाँ चल रहा हुआ है, अगर इसको तोड़ता है तो 746, अगर 746 को तोड़ता है 732, तो हमें छोटे छोटे एक्युमुलेट करना है, और जैसे ही ये नीचे से ऊपर की तरफ फॉर्मेशन शुरू हो जाए बस हमें पोजीशन बना लेना है। तो मुझे लगता है पारस में हम पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा जो एक्युमुलेशन है वो हम किस में करेंगे, दूसरा एक्युमुलेशन जो मुझे लगता है वो हमें टाटा केमिकल में करना चाहिए, जो कि मंथली का हम व्यू लेके चल रहे हैं। तो देखो मंथली कितना अच्छा सॉलिड फॉर्मेशन बना हुआ है, अगर मंथली आप देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न भी बना हुआ है। अगर हम मंथली देखें तो एक लो, फिर ये हाई, फिर ये लो ये हाई, और यहाँ से इसका ब्रेकआउट, तो हमारा टारगेट 1195 आने वाले दो तीन महीनों में बन जाता है, एक दो महीनों में हमारा, और 1250 का हमने टारगेट तो रखा ही हुआ था। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक्युमुलेट करना, अगर वीकली हम देखें तो वीकली देखो 80 से ऊपर है, तो हो सकता है एक करेक्शन आए, और डेली और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप अगर आप देखोगे तो देखो डेली और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आज अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिवनेस आया है, यहाँ पे हमको दिखा है कि लोग इंटरेस्टेड हैं, बाइंग आ रही है, 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, स्टॉक आरएसआई अभी 9 है तो 20 से ऊपर की तरफ जाता हुआ और ये 50 से ऊपर, तो हम इसमें छोटे छोटे क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में हमको पोजीशन बनाना है और हमें इंतजार करना है टाटा कैम में। टाटा कैम में आने वाला जो दिख रहा है हमको एक आध दिन में 1136-1160, वीकली भी अगर आप देखोगे तो वीकली 1195 का हम मुझे एक दिख रहा है कि हाँ 1195 से पहले 1160 तो जाना ही जाना है, उसके बाद हो सकता है एक रिटेस्ट आए जो इस तरीके से आया था, और मंथली आप देखोगे
तो मंथली हमारा जो दूसरा टारगेट है 1195 का यहाँ दिख रहा, तो आप इसमें एक्युमुलेशन के जोन में जा सकते हैं, एक्युमुलेट कर सकते हैं। तो पारस हो गया, टाटा कैम हो गया। सो अगर हम बात करें पारस में एक्युमुलेशन की, तो एक्युमुलेशन मुझे जो लगता है डेविस आपको इंतजार करना चाहिए लगभग 746 से 750 के अराउंड आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। अगर उसके नीचे भी आता है तो आपको एक्युमुलेशन में जाना चाहिए। स्टॉप लॉस हम यहाँ वीकली लेंगे, तो वीकली आप स्टॉप लॉस देखो, मैं ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे लूँगा, तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे ये कैंडल दिख रहा है 686, तो मैंने 686 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखा हुआ है। पारस में 686 का स्टॉप लॉस है, 746 से 750 के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और हमारा 660 रुपये का रिस्क है एक शेयर पे। अगर आपका मैक्सिमम रिस्क 600 रुपया है तो आपके पास यहाँ 10 क्वांटिटी होगा 600 रुपये, जहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस 600 होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट 1200 का होगा। हमारा 6000 का है तो हमारे पास यहाँ पे 100 क्वांटिटी होगी और हम मैक्सिमम लॉस 6000 का ले सकते हैं। 8% का टोटल हमारा रिस्क है और जो प्रॉफिट होगा तो 12000 प्रॉफिट होगा। 806 अगर जाता है और 866 जाता है तो 12000 का, और 806 जाता है तो 6000 का प्रॉफिट होगा। तो इसमें आपको एक्युमुलेट करना है पारस में। टाटा कैम में क्या करना है, जबकि हमारा व्यू जो है टाटा केमिकल में मंथली का है, मंथली के हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी भी मैच हो रहा है। तो अभी ये जो करेंट मंथ का कैंडल चल रहा है उसके दो मंथ कैंडल का लो हम ले लेंगे, तो हमारा दो मंथ का लो आप देखोगे तो 945 है, तो यहाँ हो गया हमारे पास 945, यानी पर शेयर रिस्क हमारा आया 129 रुपये का। तो अगर आपके पास रिस्क 500 से अंडर का है तो आपके पास यहाँ पे लगभग 3 क्वांटिटी होगी, या फिर 4 क्वांटिटी होगी आपके पास, यहाँ पे आपका 516 रुपये का मैक्सिमम रिस्क आएगा, 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे आपको जब 1203 और 1332 का टारगेट हिट होता है। तो हमारा 6000 के अंडर का है तो हमने यहाँ पे 45 शेयर रखे हैं, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम रिस्क 5805 का हो और मैक्सिमम प्रॉफिट 11610 का होगा अगर 1203 और 1332 टारगेट हिट होता है। तो ये दो स्टॉक है, इस हिसाब से आप एक्युमुलेट करो। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1074 से लेकर 1080 के बीच में हम इसको एक्युमुलेट करेंगे। मार्केट अगर गिरता है 4 घंटे और डे के बेसिस पे, मार्केट अगर नीचे आता है, ये सपोर्ट पे भी आता है 1076 देखो, सपोर्ट पे भी आता है और इसके नीचे भी आता है 1040-50 के करीब में, तो हम इसको एक्युमुलेट करेंगे। मंथली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है तो आप लोग, और इसमें अच्छा खासा हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अभी मार्केट में पेशेंस करने का समय है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं तो आप घबराइए नहीं, एवरेज कीजिए, देखिए वीकली और मंथली कौन से हमारी स्ट्रैटेजी पे मैच हो रहा है। तो आप यहाँ मंथली हमारा मैच हो रहा है तो हो सकता है आने इस महीने अगर लो हो रहा है तो अगले महीने दो महीने में बढ़ेगा, तो आपको घबराना नहीं है, आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है मार्केट में। यही तीसरा स्किल्स इस्तेमाल होगा, पेशेंस, क्योंकि अभी तक हमने प्रॉफिट बनाया है, अब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई है, तो एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग आएगा मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, उसमें आपको प्रॉफिट बुक करते रहना है और पेशेंस के साथ काम करना है। तो ये दो स्टॉक्स है, कल हम इसमें देखेंगे कितने नीचे हम एक्युमुलेट कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वांटिटी से एक्युमुलेट कीजिए, तो पारस में 100 क्वांटिटी तक हमें एक्युमुलेट करना है, तो हम एक ही बार में 100 नहीं एक्युमुलेट करेंगे, 10, 20, 30 करके हम एक्युमुलेट करेंगे, हर एक प्राइस बैंड पे लेंगे, तब वहाँ पे हमारा एक एवरेज प्राइस आएगा। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग विथ सैटर्न कैपिटल।